तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि है बी पॉइंट टू। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का आंसर हमें एक एक लाइन हिंदी करके समझना है, और जो है हम जो आंसर तैयार किए हैं ना, ये बहुत ही आसान भाषा में तैयार किए हैं, जो कि आपके लिए लिखना एक यूं मतलब चिटकियों का खेल होगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिएगा बी पॉइंट टू में दिया है पहला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि ऑथर मतलब क्या होता है, लेखक। एकदम हम लोग आराम से समझें, लेखक के अनुसार, ठीक है ना, के अनुसार होता है, ठीक है ना। देखिए लेखक के अनुसार, ठीक है ना, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता। इसका मतलब हो गया आधुनिक सभ्यता, यानी कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, क्योंकि यहां पर व्हाट लग रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रूचैलिटी। देखिए वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद का पूजा, हिंसा का और क्रूरता का। ब्रूचैलिटी मतलब होता है क्रूरता, और वायलेंस मतलब होता है हिंसा, ठीक है ना। तो देखिए ये लेखक के अनुसार लेखक क्या कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म, यानी सभ्यता जो है ना ये भौतिकवाद का पूजा है, ठीक है ना, और हिंसा का पूजा और क्रूरता का पूजा है। यानी कि अगर किसी के अंदर क्रूरता है तो क्रूरता नहीं रहनी चाहिए, किसी के अंदर अगर हिंसा है, हिंसा की भावना है, तो वो चीजें नहीं रहनी चाहिए, ठीक। अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है दो नंबर, कि व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन। लेखक जो है, या फिर लेखक क्या, लेखक के हिसाब से क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन, लेखक जो है अपने देशवासियों को क्या संदेश देता है। कन्वे का मतलब यहां पर क्या होता है, संदेश देना, अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता के हिसाब से, ठीक है ना, यानी आधुनिक सभ्यता के डीलिंग के हिसाब से वो ऑथर जो है ना, ये लेखक जो है वो अपने कंट्रीमैन यानी बोले तो देशवासियों को क्या संदेश देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे, द ऑथर एक्सप्लेन्स, लेखक जो है व्याख्या करता है डैट कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी जो भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इज टू रेज मॉरल अथॉरिटी, नैतिकता का अधिकार को ऊपर उठाना है, ठीक है ना, रेज माने उठाना होता है। बट लेकिन द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू ओनली प्रमोट इटसेल्फ, लेकिन अगर पश्चिमी सभ्यता से अगर कंपेयर करके बात किया जाए तो पश्चिमी सभ्यता के बारे में लेखक कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये ओनली प्रमोट इटसेल्फ, वो सिर्फ अपने प्रमोट करने में लगा है, ठीक है। सो द ऑथर टेल्स हिज कंट्रीमैन टू स्टिक टू देयर सिविलाइजेशन, इसलिए लेखक जो है अपने देशवासियों से कहता है कि अपने सभ्यता के साथ वे लोग चिपके रहें, अपने सभ्यता के साथ वो जुड़े रहें। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर करना, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ईड लग गया है, डिस्टिंग्विश बन गया है, तो अंतर करके किसी भी चीज़ को हम लोग स्पेशल बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर ईड लग गया ना, तो ये एडजेक्टिव की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात डिस्टिंग्विश का मतलब होता है विशिष्ट। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, विशिष्ट चरित्र क्या है ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट चरित्र क्या है। तो इसका आंसर होगा द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, बोले तो माने आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट चरित्र, मनुष्यों का, मनुष्य की जो चाह है, जो इच्छा है, वो अनिश्चित है, ठीक है ना, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में लेखक कह रहा है। तो यहां तक आप देख लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो बिना देर के हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है चार नंबर कि द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। देखिए यहां पर परसीव्ड का मतलब होता है महसूस करना, परसीव माने महसूस करना, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां ईडी लग गया तो वर्ब टू हो गया है, यानी ये वर्ब है परसीव, और इसमें ईडी लग गया तो वर्ब टू हो गया, यानी पास्ट में चला गया। तो द ऑथर परसीव्ड, यानी कि लेखक ने महसूस किया डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक खोज से, ठीक है ना, थोड़ा सा खतरा महसूस किया। हाउ, कैसे,
ठीक है ना। तो इसका उत्तर हम जानेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या है। द ऑथर फेल्ड। अब देखिए हम क्या किए हैं, इसका आंसर जो तैयार किया ना, तो अपन बहुत ही आसान भाषा में तैयार किए हैं। आसान भाषा में देखिए, आप चाहते तो हम परसीव्ड भी लिख सकते थे, लेकिन हमने फेल्ड लिखा क्योंकि फेल्ड से भी काम चल सकता है और आपका अगर इस तरीके से लिखेंगे तो नंबर भी मिल जाएगा। तो द ऑथर फेल्ड थ्री टेंड, यानी कि मैंने क्या खतरा महसूस किया, ठीक है ना, डर महसूस किया, ठीक है ना, और डेंजर, ठीक है ना, थ्री टेंड और डेंजर, ठीक है ना, क्या किया, थ्री टेंड और डेंजर बोले तो खतरनाक यानी खतरा या डर महसूस किया। फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक खोज से, बिकॉज क्योंकि द इमीडिएट इन्वेंशन वेयर, जो तुरंत जो खोज हो रहा था ना, रिमूविंग द परमानेंट गुड, ये अस्थाई भलाई को, ठीक है ना, अस्थाई भलाई को क्या कर रहा था, खत्म कर रहा था, रिमूविंग द परमानेंट गुड, ये क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, क्या चीज, परमानेंट गुड, परमानेंट गुड मतलब क्या था, स्थायी भलाई को ये खत्म कर रहा था। फॉर द सेक ऑफ मोमेंट्री हैप्पीनेस, क्षणिक सुख के लिए, मैंने क्षण पल की खुशी के लिए ये स्थायी भलाई को ही खत्म कर दे रहा था, जो इमीडिएट इन्वेंशन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पांच नंबर क्या, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, ठीक है ना, व्हाट डज द ऑथर, फिर लेखक के हिसाब से क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर, लेखक क्या पसंद करता है मटेरियलिज्म के लिए, ठीक है ना, मटेरियलिज्म भौतिकवाद के लिए, ठीक है ना, लेखक का क्या कहना है, क्या मैंने वो कहना चाहते हैं, तो आंसर है द ऑथर प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, लेखक के अनुसार, ठीक है ना, ये पसंद है उनका, यानी उनका कहना है वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि सबसे पहले इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए, फिर उसके बाद से मटेरियलिज्म होना चाहिए। इंसान को सबसे पहले स्पिरिचुअल होना चाहिए, ठीक है ना, आध्यात्मिक होना चाहिए, फिर उसके बाद से पूरी तरीके से मटेरियलिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बिना देर के हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपन, ठीक है ना, यहाँ पर सिविलाइजेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया है। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड, हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, डिपेंड अपन मतलब होता है के ऊपर निर्भर करना, ठीक है ना। तो व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपन, हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ह्यूमन वांट्स, वांट्स रहेगा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो मानव की जो चाहत है ना, जो मनुष्य की जो माने जितने भी हम सभी इंसान हैं, हम सभी जितने भी मानव हैं, ठीक है ना, हम सभी की इच्छाएं अनिश्चित हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मनुष्य की चाहत, ठीक है ना, या इच्छाएं अनलिमिटेड यानी कि अनिश्चित है, यानी असीमित है, एंड इट इज़ डेंजरस, और यह खतरनाक है टू इंडल्ज इन इट्स फुलफिलमेंट, अगर इस चीज़ को पूर्ति करने में हम लोग लग जाएं तो इसमें विलीन होना, इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना। अब देखिए, दियर फॉर, इसलिए, इन ऑर्डर टू अटेंड द रियल हैप्पीनेस, ठीक है ना, दियर फॉर, इसलिए, इन ऑर्डर टू अटेंड द रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी के लिए, ठीक है ना, वी विल हैव टू डेवलप कंटेंटमेंट, हम लोग को माने क्या है इसका मतलब, इन ऑर्डर टू अटेंड द रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी के लिए, वी विल हैव टू डेवलप, हमें क्या करना होगा, विकास करना होगा अपनी संतोष का, ठीक है ना, अपने वास्तविक संतोषजनक का विकास करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है, सात नंबर, वो है व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रियल, सॉरी, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस, सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है ऑफ द टर्म, यानी सभ्यता का शाब्दिक वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, कुल मिला जुला करके इन द रियल सेंस ऑफ टर्म का मतलब समझ लीजिए, तो वास्तविक में माने वास्तव में सभ्यता का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस, ठीक है ना, सभ्यता वास्तविक शब्द में, वास्तविक अर्थ में, इज ए ह्यूमन सोसाइटी, एक मानव समाज है, विथ इट्स ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर, सामाजिक संगठन और संस्कृति के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ आपका पैराग्राफ वाइज जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अगर इससे रिगार्डिंग किसी तरह का कंफ्यूजन या फिर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और फिर देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।